हेलो फ्रेंड्स, प्रीतु डेलिशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डबल चॉकलेट कपकेक और ये बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। और इन्हें आज हम बिना मोल्ड के, बिना ओवन के तपेली में बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम कपकेक बनाते हैं। हम एक बाउल में 1-2 कप दूध ले लेंगे और 1 टेबल स्पून हम यहाँ नींबू का रस डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक साइड से रख देंगे। और तब तक हम ओवन तैयार कर लेते हैं हमारा, जिसमें केक बनाना है। तो यहाँ तपेली ले लेंगे और उसमें ये नमक डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे। ये नमक हमने यूज़ किया हुआ है इसलिए डार्क दिख रहा है। और इसमें इस तरह का स्टेन ले लेंगे, उसे रख देंगे। अगर आपके पास स्टेन नहीं है तो कोई भी कटोरी ले ले, उसे रख दें। और इस तरह की थाली हम ढक दें, गर्म कर लेंगे। और आज हम ये पेपर कप में कपकेक बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह के पेपर कप नहीं है तो आप स्टील की कटोरी ले ले, उसमें भी आपके कपकेक्स अच्छे बन जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह की कटोरी ले ले, जो भी आपके घर कटोरी है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए, तो इन्हें हम एक साइड से रख देते हैं और हमारा बाउल ले लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा दूध अच्छे से कर्डल हो गया, मतलब फट गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, ये विथआउट फ्लेवर ऑयल है। तो हम इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप शुगर पाउडर, इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ हमारे बैटर में ना जाए। तो देखिए, इस तरह हमने इसे छान लिया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्क को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, डबल डायरेक्शन में से नहीं घुमाना है। तो देखिए, हम एक डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है शुगर को। अब हम इसमें सूखे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो एक छन्नी ले लेंगे और इसमें 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर और 1 पिंच हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन्हें सभी को हम अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, हमने सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छान लिए। अब हम इन्हें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो हमने 1/4 कप दूध ले लिया है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और ये बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को तब तक मिक्स करना है तब तक ये जो हमारा बैटर है अच्छे से हल्का नहीं हो जाता। तो हम इसे धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। बैटर को हमें ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। ज्यादा पतला करने से हमारे जो कपकेक है वो अच्छे से फूलेंगे नहीं और बैठ जाएंगे। तो हमें बैटर को ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो देखिए, ये हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है, इसमें रिबन्स बन रहे हैं। तो ये हमारा बैटर रेडी है। तो इसमें देखिए, 1 टेबल स्पून हमारा दूध बच गया है। अब हम इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट और इन्हें सिर्फ मिक्स करना है, थोड़ा सा ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है। और अब हम ये कप ले लेंगे, इसमें हम इन्हें आधा आधा भरेंगे, फुल नहीं भरना है। देखिए, इस तरह हम आधा आधा बैटर सभी कप में डाल दिया है। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना हो।
दिया हमने, एक कटोरी में भी डाल दिया है, इसे भी हम टेप कर लेंगे, इसे भी इस तरह बीच में रख देंगे। और इसके ऊपर से हम थोड़ी सी चोको चिप्स डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आती है तो हम इसे ऊपर से भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये हमारी ओवन अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम ये प्लेट रख देंगे और ये सभी कप रख देंगे और इन्हें 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से बेक करेंगे। ये हमने ढक दिया इसे, तो आप देख सकते हैं एकदम लो फ्लेम है। इसी तरह हम इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक करेंगे, हम इस टूथपिन ले लेंगे। यदि हमारा केक अभी पका नहीं है तो हम 5 मिनट के लिए इसे और बेक करेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं टूथपिन में हमारा बिल्कुल भी केक चिपक नहीं रहा है, मतलब हमारे केक अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम गैस बंद करके इन्हें बाहर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारी डबल चॉकलेट कप केक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं एकदम सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट केक कप केक हमारे बने हैं, इन्हें हम इस तरह केजी से काट लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए हमारे चॉकलेट कप केक तैयार है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम इसी तरह कटोरी में भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसे चाकू से थोड़ा सा हम इस तरह आइट साइड से थोड़ा निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा टेप करने पर ये भी आसानी से निकल जाता है। तो देखिए हमारे सभी कपकेक्स बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।